फ्रेंड्स आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्ट होने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा साउंड फॉर सिंगिंग, यानी आप अपने सिंगिंग के लिए माइक्रोफोन सेट करना चाहते हैं वो किस तरह कर पाएंगे और किस तरह से आपको स्पीकर की सेटिंग करनी रहेगी, आपको उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो दूंगा, काफ़ी आसानी समझ पाएंगे किस तरह से आप अपने सेटअप को लगाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको ऑर्डर मिला है और आपको साउंड सिस्टम लगाना है अपने प्रोग्राम के लिए, जैसे कराओके से प्रोग्राम है या एक सिंगल आपको एक सिंगर मिलता है और उसमें आपको वो कहा जाता है कि वो वायलिन या गिटार पर गाना गाएगा, तो उसके लिए आप किस तरह से अपने साउंड की सेटिंग करेंगे, क्योंकि वो सिंगल प्रोग्राम करने आ रहे हैं तो आपको कराओके और उस पर जैसे अपने गिटार पे वो प्रोग्राम करेंगे या अपने कोई एक वाद्य यंत्र है जिसके साथ में वो गाना गाएंगे, तो वो किस तरह से आप सेट कर पाएंगे अपने वाटिका में या रिसोर्ट में, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप उसे अंजाम दे पाएंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊँगा किस तरह से आप अपने स्पीकर को सेट करेंगे और किस तरह से आप अपने जो गाने वाला आने वाला है उसे आप अपने, क्योंकि आपको स्पीकर ज़्यादा लगाने होंगे क्योंकि वो सिंगल ही है, उसके साथ और कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे सेट कर पाएंगे। तो ये आपको स्टेज से हो रहा है जिस पे वो सिंगल परफॉर्म करने वाला है, जो आपको सिंगर आया है वो सिंगल ही परफॉर्म करेगा, उसके साथ में और कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है और उसके साथी भी कोई नहीं है, तो आपको सिंगल के लिए आपको अपने इस तरह से साउंड सेट करना है, तो वो किस तरह से कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको स्टेज पर किस तरह से अपने स्पीकर को सेट करना है उसकी मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको उसे स्पीकर का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक उसे उसकी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तब तक उसे गाने का मज़ा नहीं आएगा, और क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बजाएगा और गाएगा भी साथ में, तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप अपने स्पीकर को सेट करते हैं, मैं आपको लेफ़्ट और राइट आगे पीछे किस तरह से सेट करना उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो आप स्टेज से 5 से 7 फीट की दूरी पर दो स्पीकर नीचे से आप आवाज़ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसे सुनने में काफ़ी आसानी रहेगी जो आपके सिंगर स्टेज पर गाने वाला है और वो वायलिन बजाता है या गिटार बजाता है साथ में या कराओके भी गाता है, तो उसे आउटपुट पूरा मिलना चाहिए। तो मैंने आपको लेफ्ट राइट साइड बताई थी, अब मैं आपको राइट साइड में बता रहा हूँ। राइट साइड से भी आपको 250 वाट के स्पीकर देने होंगे, स्पीकर अच्छे हो क्वालिटी के, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप 2 स्पीकर लेफ्ट से और 2 स्पीकर राइट से आप देंगे तो उसे सामने से थ्रो अच्छा मिलेगा और उसके जो वायलिन के या गिटार की आवाज़ है वो भी साफ़ सुनाई देगी और वो जो गा रहे हैं वो भी सुनाई देगा। और 2 स्पीकर मैंने पीछे से 4-way दिए हैं जो आप स्टेज के पास में देख पा रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको एक स्पीकर राइट हैंड साइड में भी देना होगा, एक लेफ़्ट और एक राइट हो जाएंगे, तो ये आपके स्टेज पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको कवर हो जाएगा सिंगर के लिए, क्योंकि आपको उसमें और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको उसे पूरी आवाज़ देनी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको आवाज़ ही उसी ढंग से खोलनी होगी तो विसल भी ना आवे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि खुले में प्रोग्राम है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्पीकर की जो दूरी है वो आपको बनाकर रखनी होगी, और ज़्यादा दूर कर देंगे तो भी आपको दिक्कत होगी और आप ज़्यादा पास में रखेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो ये मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड बता रहा हूँ, जिसमें से आपको 200-250 वाट स्पीकर आगे से फ्रंट स्टेज पे दिए हुए हैं जो मॉनिटर का काम कर रहे हैं, इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक पीछे से स्पीकर 250 वाट वो 4-way दिख रहा है, जो इसमें 250-250 वाट यानी 2 हो गए हैं, तो आपको टोटल 4 स्पीकर यहाँ पर आपको स्टेज की तरफ हो गए। अगर आपके पास 4-way नहीं है तो आप पीछे से 2 2-way भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो आपके पास टॉप है तो टॉप भी आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा उसे थ्रो मिलेगा और आपको प्रोग्राम का भी मज़ा आएगा और उस गाने वाले को जो सिंगल है तो उसे भी खाली खाली स्टेज पर महसूस नहीं होगा और पूरा भराव आपके स्टेज पर बना रहेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो मैं अब आपको जो आगे बताने वाला हूं वो भी आप यहां पर देख पाएंगे और किस तरह से इसमें सेट करेंगे वो देखिए। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जैसे स्पीकर बताता है, उस तरह राइट साइड में, राइट हैंड साइड में भी आपको 4-way स्पीकर शो हो रहा है, तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से स्टैंड है तो स्टैंड लगा लेंगे, और अगर आपके पास टॉप है तो टॉप का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर भी आप रख कर इस प्रोग्राम
को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आपको दूरी इतनी रखनी है कि विसल ना आवे और सामने वाले को सुना भी दिया जावे, इस दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा आपको 45 डिग्री एंगल पर रखना होगा, फिक्स 90 पर कर देंगे तो आपको विसल आने की संभावना रहेगी। आपको स्पीकर को कुछ तिरछा रखना है, तिरछा रखने से ये होगा आपको विसल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर सीधा माइक्रोफोन के सामने ही अगर स्पीकर रख देंगे तो आपको विसल आने की संभावना रहेगी। और नीचे जो स्पीकर रखे हैं आपने फ्रंट से, उसको भी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके रखना है, तो आपको एक गोलाई की तरह स्पीकर को सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप आसानी से इसे कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस स्टेज का फ्रंट साइड में आपको बताऊंगा, जिससे आपको स्टेज यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये स्टेज का फ्रंट से हो रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चारों तरह से स्टेज से कवर कर चुके हैं, क्योंकि दो स्पीकर मैंने पीछे फोर वे दिए थे और चार स्पीकर मैंने टू वे के आगे से दिए हैं। तो छः स्टेज पर सेट हो चुके हैं, क्योंकि स्टेज की साइज़ 8x8 है। तो आप देख पा रहे हैं अगर आके स्टेज की साइज़ बड़ी है तो आपको स्पीकर और बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह आप यहां पर सेट कर लेंगे और पब्लिक के लिए यहां पर आपको फोर वे स्पीकर जो पीछे की तरफ से सामने की तरफ थ्रो आ रहा है उससे भी मिल जाएगा, और यहां पर टॉप और बेस लगाए हैं तो ये आपको पब्लिक के लिए हो जाएगा। पब्लिक में वैसे आवाज़ की जरूरत कम ही होती है, क्योंकि ज़्यादा क्राउडली नहीं है। तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें अपने को जो सिंगर आने वाला है वो सिंगल ही है, और यहाँ पर छोटी पार्टी है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी बड़ी है तो आप दो टॉप और दो बेस लगा कर भी आप काफ़ी आसानी से पब्लिक के लिए यहाँ पर स्पीकर सेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए जो आपको एम्पलीफायर चाहिए वो आप बड़ी आसानी से इस पीछे की तरफ आप सेट कर पाते हैं, जैसे मैंने किए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ एम्पलीफायर शो हो रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आप एम्पलीफायर से इसे कनेक्ट कर लेंगे। ये सारे एम्पलीफायर मैंने लगाए हुए हैं, और एम्पलीफायर लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है स्टेबलाइजर से ही आप इसे कनेक्ट करें, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वोल्टेज कम होगा तो आपको प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर अभी नाइट हो चुकी है तो यहाँ पर आपको कुछ शो कम हो रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग कर ली है और सारे कनेक्शन कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसमें लाइव चला के बताऊँगा प्रोग्राम किस तरह से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे, उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे कनेक्शन हो चुके हैं और ये स्टेबलाइजर आपको यहाँ से हो रहा है, और जितने भी कनेक्शन किए हैं जो सारे स्टेबलाइजर से किए हुए हैं, इससे आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर इसे अर्थ भी कर लेते हैं अपने सारे इक्विपमेंट को तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लाइटिंग वाइटिंग चालू हो चुकी है और प्रोग्राम बहुत ही जल्द अब शुरू होने वाला है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम को अंजाम दे पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को चार चांद लगा पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने जो गेस्ट हैं उनको भी इम्प्रेस कर पाएंगे। और इस तरह ये सारी सेटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडल लाइट डिनर के तौर पर अभी का प्रोग्राम है, जिसमें लाइटिंग की सुविधा थोड़ी कम है, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर में आपको ये अलग से लाइटिंग लगाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, जैसे अब मैं आप सैंपल बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से आप अपने साउंड सिस्टम को सेट कर प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो अपना स्टेज बना हुआ है उसे आपको चारों तरह से कवर करना है, क्योंकि फ्रंट से अगर रिटर्न नहीं मिलेगा सिंगर को तो उसे गाने में दिक्कत आएगी और उसे कुछ सूखा सूखा महसूस होगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर पूरा भरा होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी उसे सराउंड साउंड चारों तरह से मिलना चाहिए। और स्पीकर को इस तरह से आपको सेट करना है 45 या 30 डिग्री एंगल पर, जिससे उसे विसल भी ना आए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएँ। तो ये इस तरह से मैंने आपको सेटिंग बताई है, इस तरह से आप भी अपने स्पीकर की सेटिंग करते हैं और अपने एम्पलीफायर को उसे बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोग्राम को करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। और इसमें आपको हर चीज़ जो क्वालिटी की लेनी है, बिना क्वालिटी कोई चीज़ ना ले, जब आप जैसे लीड भी काम में लेते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी ही काम में ले, जिससे आपके हमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखना चाहें तो आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएंगे। धन्यवाद।